हेलो एंड वेलकम टू मिंट टॉक इंडिया टुडे इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी योर एन क्लास फिफ्थ इंग्लिश यूनिट नंबर टेन लेसन हु विल बी नींग दो नाउ इन दिस टाइटल देर इज न्यू वर्ड नींग दो ये जो जी है ये है साइलेंट और हम इसे इसीलिए प्रोनाउंस करते हैं निंद दो निंदो होता क्या है निंदो का मतलब होता है राजा अ किंग इज कॉल्ड अ निंदो एंड अ क्वीन इज कॉल्ड अ लीमा इन मणिपुरी सो वी आर गोइंग टू रीड अ फोक टेल फ्रॉम आवर इंडियन स्टेट मनीपुर तो जैसे आपने यूनिट वन के लेसन अ वरफुल वेस्ट में केरला से रिलेटेड एक फोक टेल पढ़ा था तो ये है हमारा प्यारा भारत और यहां पर इस जगह पे होता है मणिपुर सो इन दिस फोटो यू कैन सी ऑल द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट क्या होता है अगर हम इंडिया को ऊपर से नीचे तक एक वर्टिकल लाइन खींचे और फिर लेफ़्ट से लेकर राइट right तक एक एक हॉरिजोंटल लाइन खींचे तो ये होता है नॉर्थ डायरेक्शन ये होता है ईस्ट डायरेक्शन तो इस तरफ जो भी स्टेट्स बन रहे हैं उनको हम नॉर्थ ईस्ट कह रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर ये जो मणिपुर है जिसका कैपिटल होता है इम्फॉल ये भी आपको लर्न करना बहुत जरूरी है सो दिस फोकटेल बिलोंग्स टू मणिपुर एंड ऑल द स्टेट्स हेयर आर ऑल्सो कॉल्ड द सेवन सिस्टर्स इंक्लूडिंग द सिक्किम विच इज कॉल्ड द ब्रदर ऑफ दीज सेवन सिस्टर्स स्टेट्स और फोक टेल क्या होता है फोक टेल मतलब लोक कथा जो हम हमारे दादा दादी से सुनते आए हैं और आगे चल के हम बाकी बच्चों को भी सुनाते हैं वो होता है फोक टेल जिससे हमें कोई मॉरल वैल्यू सीखने को मिलती है तो हम जिस कहानी के बारे में सुनने वाले हैं पढ़ने वाले हैं दैट इज हु तो कौन होगा नया राजा मणिपुरी लैंग्वेज मणिपुर स्टेट में बोली जाती है और इसी लैंग्वेज में राजा को यहाँ पे निंगदो बोला जाता है जैसे हम इंग्लिश में राजा को किंग कहते हैं एम्पर कहते हैं हिंदी में राजा या फिर सम्राट बोलते हैं वैसे ही मणिपुरी लैंग्वेज में निंगदो का मतलब राजा और रानी को क्या कहते हैं रानी को लीमा कहते हैं सो दिस इज अ स्टोरी फ्रॉम मणिपुर अबाउट वॉट क्वालिटीज मेक अ गुड रूलर रूलर मतलब वही राजा रूल करने वाला और एक अच्छे राजा में क्या क्या क्वालिटीज होती है क्या क्या खूबियां होनी चाहिए वो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे सो अस रीड लॉन्ग लॉन्ग अगो इन द लैंड ऑफ कांगले पार्क इन मणिपुर देर लिव्ड अ निंदो एंड अ लीमा तो मणिपुर में कांगले पार्क नाम की एक जगह थी और बहुत सारे सालों पहले की ये कहानी है एक राजा और एक रानी थे दे वर लव्ड डियरली बाय द पीपल पीपल मीन्स उस राज्य की जो प्रजा थी जो लोग थे वहाँ के वो लोग राजा को और रानी को बहुत पसंद करते थे दे यूज टू लव देयर नंदो एंड लीमा डियरली द नंदो एंड लीमा ऑन देयर पार्ट नेवर स्टॉप्ड थिंकिंग अबाउट देयर मियाम दैट इज देयर पीपल और राजा और रानी जो थे वो अपनी तरफ से भी ऑन देयर पार्ट मतलब अपनी तरफ से भी कभी भी बंद नहीं करते थे दे नेवर यूज़ टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट देयर मियम अपने प्रजा के बारे में अपने राज्य में रहने वाले पीपल की भलाई की चिंता करने के लिए कभी भी स्टॉप नहीं होते थे वो क्या बोलते थे आवर मियाम शुड बी हैप्पी दे सेड वो बोलते थे कि हमारे प्रजा जो है हमारे राज्य में रहने वाले लोग वो हमेशा खुश होने चाहिए मियम इज़ ऑल्सो अ मणिपुरी लैंग्वेज जिसका मतलब है राज्य में रहने वाले लोग राज्य की प्रजा नाउ द पीपल वेर नॉट द ओनली वंस हु लव्ड देयर निंदो एंड लीमा सिर्फ लोग ही ऐसे नहीं थे जो अपने राजा और रानी को बहुत पसंद करते थे प्यार करते थे द बर्ड्स एंड द एनिमल्स टू लव दम राज्य के रहने वाले जो चिड़िया थे जो जानवर थे वो भी अपने राजा और रानी को बहुत प्यार करते थे अब ये कैसे होता था जब आप किसी और की देखभाल करेंगे हर्ट नहीं करेंगे उनकी हेल्प करेंगे तो अगर आप बर्ड्स और एनिमल्स को भी खाना देते हो पानी देते हो तो वो है उनके प्रति प्यार की भावना रखना और उसी से वो भी उल्टा आपको पसंद करेंगे कभी भी बाइट नहीं करेंगे भौकेंगे नहीं और आपके बुलाने पे जरूर आएंगे तो आपने देखा होगा कुछ लोग बर्ड्स को दाना देते हैं एनिमल्स को भी खाना खिलाते हैं और वो जब भी अपने घर के बाहर निकले बर्ड्स और एनिमल्स उनके घर के आसपास अपने आप ही आ जाते हैं इसका मतलब उन तरीके के लोगों को ये बर्ड्स और एनिमल्स बहुत प्यार करते हैं तो कांगले पाक में भी जो राजा और रानी थे वो दोनों बर्ड्स और एनिमल्स को भी उतना ही प्यार करते थे जितना कि वो राज्य में रहने वाले लोगों को केयर करते थे द निन्दो एंड लीमा ऑलवेज सेट एवरीबडी इन कांगले पार्क शुड लिव इन पीस कि हमारे राज्य में सिर्फ लोग ही नहीं एवरीबडी हर कोई जो भी लिविंग क्रीचर है पक्षी है जानवर है लोग है सभी बूढ़े बच्चे जवान सभी लोग शांति से रहने चाहिए पीस में रहने चाहिए उन्हें आराम होना चाहिए यहाँ पे रहने के लिए नॉट ओनली द पीपल बट द बर्ड्स एनिमल्स एंड इवन ट्रीज उन्हें भी हमें केयर करने की ज़रूरत है हमें पानी देने की ज़रूरत है ज़्यादा ज़्यादा ट्रीज़ लगाने की जरूरत है तभी हमारा राज्य एकदम खुशहाल हो पाएगा देर बिलव्ड किंग एंड क्वीन हैड थ्री सन्स दे मतलब राज्य की जो जनता थी द मियम ऑफ कांगले पाक दे आर बिलव्ड हु इज अ बिलव्ड बिलव्ड मीन्स ऐसा कोई इंसान जो जिसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं जैसे आप अपने पेरेंट्स के बिलव्ड हो क्योंकि आपके पेरेंट्स आपको बहुत प्यार करते हैं तो राज्य की जो जनता थी मियाम, उनके बिलव्ड उनके प्यारे राजा और रानी के तीन बेटे थे दे हैड थ्री सन्स सना जाऊबा सना एंड सना तोम्बा ये तीन उनके नाम थे और फिर ट्वेल्व यर्स लेटर लेटर मीन्स बाद में बारह साल के बाद अ डॉटर वॉज बॉर्न इनके यहाँ पे एक छोटी सी बेटी जन्मी थी जो थी प्रिंसेस शी वॉज नेम्ड सना तोम्बी और राजा और रानी ने इसका नाम सना तोम्बी रखा था तो बड़े वाले बेटे का नाम था सना जाओबा दूसरे वाले मंझले बेटे का नाम था सना यईमा छोटे बेटे का नाम सना तोम्बा और फिर एक और छोटी बेटी हुई उसका नाम रखा इन्होंने सना तोम्बी शी वॉज अ लवली चाइल्ड वो बहुत ही प्यारी बच्ची थी सॉफ्ट एंड ब्यूटिफुल इनसाइड अब ब्यूटिफुल इनसाइड का क्या मतलब है ब्यूटीफुल का मीनिंग तो वैसे हमें पता है बहुत ही खूबसूरत जो दिखने में बहुत ही सुंदर हो लेकिन जिसका चेहरा बहुत ही खूबसूरत हो यूजुअली हम ऐसे लोगों को ब्यूटीफुल बोलते हैं ब्यूटीफुल इनसाइड का मतलब जिसका मन बहुत खूबसूरत है अंदर से जो लोगों की हर एक पक्षी की जानवर की पेड़ों की केयर करता है देखभाल करता है जिसके मन में दूसरों के प्रति दया होती है जो बहुत ही काइंड होता है जो हमेशा दूसरों की केयर करता रहता है इसका मतलब उसके सिर्फ चेहरे पर ही नहीं उसके बर् उसके बॉडी के अंदर जो उसका माइंड है उसका मन है उसके अंदर पे जो फीलिंग्स है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है क्योंकि यही सब चीज़ें किसी भी इंसान को अंदर से खूबसूरत बनाती है तो जब भी आप किसी ऐसे इंसान को देखेंगे जो दूसरों की केयर कर रहा है इवन जानवरों की भी देखभाल कर रहा है पेड़ों को भी पौधे दे रहा पेड़ पौधों को पानी दे रहा है पक्षियों को दाना दे रहा है तो हमें भी लगता है ना अरे वाह कितना अच्छा इंसान है तो ये अच्छा इंसान कहाँ से बना उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ही इज़ वेरी ब्यूटिफुल इनसाइड कि वो सिर्फ़ बाहर से ही खूबसूरत नहीं वो अंदर से भी खूबसूरत है वो अंदर से सॉफ्ट है सॉफ़्ट होने का मतलब वो अंदर से बड़ा ही काइंड है वो दयालु है और इसीलिए कहते हैं कि जरूरी नहीं जो बाहर से खूबसूरत दिखे वो अंदर से भी ब्यूटीफुल हो यानी कि वो दयालु हो या फिर काइंड हो एंड सना तोम्बी वॉज वेरी काइंड वॉज वेरी केयरिंग फॉर द एनिमल्स बर्ड्स ट्रीज एंड इवन पीपल सो दैट इज वाई शी वॉज वेरी सॉफ्ट एंड ब्यूटिफुल इन साइड एंड दैट इज वाई शी वॉज लव्ड बाई वन एंड ऑल हर एक इंसान सना तोम्मी से बहुत प्यार करता था द दर्स वेंट बाय बहुत सारे साल बीत गए एंड द चिल्ड्रेन ग्रू अप वेल और सभी बच्चे बड़े हो गए ग्रू है पास ऑफ ग्रो सभी बच्चे बड़े हो गए एंड देन वन डे द निंदो कॉल्ड ऑल हिज मिनिस्टर्स एंड सेड और इसीलिए एक दिन राजा ने अपने सारे मंत्रियों को बुलाया और उनसे कहा इट इज नाउ टाइम टू डिसाइड द थुंगी निंदो दैट मीन्स द फ्यूचर किंग कि अब समय हो गया है कि हम ये डिसाइड करें कि आने वाले समय में जब मैं राजा नहीं रहूंगा तो नया राजा द फ्यूचर किंग द किंग हु विल बिकम द किंग आफ्टर मी हु विल बी द फ्यूचर किंग तुंगी निंदो मिनिस्टर्स वर शॉक्टर्स को सुनकर बहुत ही शौक हुआ कि अरे इसमें डिसाइड करने की क्या बात है उन्होंने कहा बट ओ निट इज दू डिसाइड सना जाओबा योर एल्डेस्ट सन विल बी आवर फ्यूचर किंग उस समय राजा के बेटे ही राजा बना करते थे और इसीलिए मिनिस्टर को भी लगा कि राजा जी हमें इसमें डिसाइड करने की क्या बात है हमें तो पता ही है कि आपके जो एल्डेस्ट सन है सबसे बड़े वाले बेटे सना जाओबा वही तो फ्यूचर किंग बनेंगे क्योंकि ऐसा ही तो चला आया है राजा के बड़े बेटे ही अगले राजा बनते हैं तो निंदो ने बोला वेल द निंदो रिप्लाइड दैट्स हाउ इट हैपेंड इन द ओल्ड डेज कि ऐसा तो पुराने दिनों में होता था एल्डेस्ट सन ऑलवेज बिकेम द किंग राजा के एल्डेस्ट सन ही हमेशा राजा बनते थे दे इज टू बिकम द किंग इन ओल्ड डेज बट टाइम्स हैव चेंज नाउ हमारे निंदो ने बोला कि अब तो समय बदल चुका है सो अवर निंदो हैड मॉडर्न थिंकिंग डिडन यूज टू थिंक लाइक द ओल्ड एन डेज पीपल पुराने लोगों की तरह वो नहीं सोचते थे निंदो मॉर्डर्न सोच रखते थे और उन्होंने कहा कि समय तो अब बदल चुका है सो लेट अलेक्ट अ किंग ऑफ बिकमिंग अ किंग और इसीलिए हम अब एक ऐसा किंग सेलेक्ट करेंगे चूज करेंगे पसंद करेंगे हु इज मोस्ट वर्दी जो किंग बनने के लायक होगा सबसे ज़्यादा लायक होगा सबसे ज़्यादा वर्दी होगा वर्दी मीन्स हैविंग और शोइंग द क्वालिटीज दैट मेक अ पर्सन डिजर्व समथिंग वो किसी चीज़ के योग्य है किसी चीज़ के लायक है जैसे आप सभी बच्चे अगर आप सभी को अभी ट्वेल्थ स्टैंडर्ड का एडमिशन करा दिया जाए और पढ़ाई करने लगा दिया जाए तो क्या आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे क्योंकि ट्वेल्थ स्टैंडर्ड की पढ़ाई करने के लिए हमारे ब्रेन को जितना डेवलप होना चाहिए उतना ब्रेन नाइन टू टेन ईयर्स के बच्चों का डेवलप नहीं हुआ तो इसीलिए आप लोग योग्य नहीं है ट्वेल्थ स्टैंडर्ड में जाने के सिमिलरली हमारे निंदो ने भी कहा कि मेरे सारे बच्चों में से सभी बच्चों में से जो सबसे ज़्यादा वर्दी होगा जो सबसे ज़्यादा योग्य होगा लायक होगा जिसमें एक अच्छा राजा बनने के क्वालिटीज होंगे मैं उसी को फ्यूचर किंग बनाऊंगा वी विल हैव अ अंटेस्ट और इसके लिए हम एक कॉम्पिटिशन रखेंगे प्रतियोगिता रखेंगे टू सेलेक्ट द फ्यूचर किंग द लीमा सेट रानी ने कहा एंड सो इन द लैंड ऑफ कांगले पार्क देयर वॉज अ कॉन्टेस्ट कांगले पार्क की धरती पे आज एक कॉन्टेस्ट एक प्रतियोगिता होने वाली थी अ हॉर्स रेस घुड़सवारी की रेस होने वाली थी हु द खोंगयांग द बैनियन ट्री फर्स्ट वुड बी डिक्लेयर्ड तुंगी नि और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हॉर्स रेस में घुड़सवारी के रेस में जो भी एक स्टार्टिंग पॉइंट से जाके उस बड़े से बैनियन ट्री तक पहले पहुंचेगा जो फर्स्ट आएगा रेस में उसी को हम किंग डिक्लेयर कर देंगे तुंगी निंदो फ्यूचर किंग डिक्लेयर कर देंगे उसी को हम राजा बना देंगे बैनियन ट्री तो आपको पता ही है ना इट इज द बिगेस्ट ट्री विद द मोस्ट थिक ट्रंक वी कैन सी अराउंड और यही एकमात्र ऐसा पेड़ है जिसके रूट्स बाहर से लटकते हैं और बाहर से लटक के वो जिस जगह पे जमीन को पकड़ ले वहां से वो फिर स्प्रेड आउट करना स्टार्ट कर देते हैं तो रेस शुरू ही होने वाला था बट देन स्ट्रेंज थिंग हैपेंड एक बहुत ही अजीब घटना घटी और वो ये कि सना जाओबा सना यईमा एंड सना तोम्बा तीनों बेटे जो थे राजा के ऑल थ्री ऑफ देम फिनिश्ड द रेस टुगेदर तीनों ने ही एक साथ टुगेदर रेस को फिनिश किया तो फर्स्ट तो कोई आया ही नहीं रेस में दे वर एक्सपर्ट राइडर्स एक्सपर्ट एक ऐसा इंसान होता है जिसे अपने सब्जेक्ट का डीप नॉलेज होता है जो बहुत अच्छी तरीके से करना जानता है उस काम को तो ये तीनों बेटे थे राजा के ये तीनों घुड़सवारी में एक्सपर्ट थे बहुत अच्छे से आता था उन्हें और इसीलिए ये तीनों फिनिश लाइन तक एक साथ पहुंचे द थ्री ऑफ देम रीच द फिनिश लाइन एट द सेम टाइम कोई भी फर्स्ट नहीं आया देयर वॉज ग्रेट एक्साइटमेंट लुक एट दैम द पीपल शाउटेड शाहोल थींस सच फाइन हॉर्समैन सभी लोग सभी प्रजा जो ऑडियंस बन के बैठे हुए थे सबके मन के अंदर एक्साइटमेंट था उत्साह था कि अरे वाह कितने फाइन कितने मजेदार हॉर्समैन है ये क्या शानदार घुड़सवारी की है तीनों ने जिसे मणिपुरी में क्या कहते हैं शगोल थाउबानुपा मतलब सच फाइन हॉर्समैन बट वन क्वेश्चन रिमेन्ड लेकिन एक सवाल जो था वो तो वैसा की वैसा ही रहा उसका उत्तर नहीं आया सवाल क्या था हु वुड बी द तुंगी निंदो कौन बनेगा फ्यूचर किंग क्योंकि इस सवाल का आंसर का आता अगर इस रेस में से कोई एक फर्स्ट आ जाता तो वही होता इस सवाल का आंसर और वही बन जाता फ्यूचर किंग तो क्योंकि इस रेस में तीनों के तीनों एक साथ आए कोई फर्स्ट तो आया ही नहीं तो ये क्वेश्चन वैसा का वैसा ही रह गया द क्वेश्चन रिमेन अन तो क्या लगता है कौन बनेगा फ्यूचर राजा और क्या हुई होगी स्टोरी में आगे तो जानेंगे ये हम अपने पार्ट टू वीडियो में और इस पार्ट वन वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी इतना बड़ा हो चुका है वी विल मीट वेरी पार्ट वीडियो और जानेंगे कि निंदो और लीमा ने किसे बनाया फ्यूचर किंग और किस क्वालिटी के बेसिस पे उन्होंने किंग को बनाया सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल थैंक्स फॉर वाचिंग एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल मिंटॉक इंडिया फॉर मोर अपकमिंग वीडियो